और अगली बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आती हुई, जहां हथनीकुंड बैराज में फिर से एक बार पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। यमुनानगर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हथनीकुंड बैराज में फिर से पानी बढ़ना शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे से पानी बढ़ना शुरू हुआ था और हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है पानी। तो एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और करीब 84,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। कुछ घंटों में और भी ज्यादा पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की अहम जानकारी यमुनानगर से सामने आती हुई, तस्वीरें देखिए कि एक बार फिर से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है और करीब 84,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है। तो और भी ज्यादा पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वह हथनीकुंड बैराज में फिर से पानी बढ़ा हुआ है और सुबह 10 बजे से पानी बढ़ना शुरू हो चुका था और हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, तो करीब 84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वही और भी ज्यादा पानी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर से पानी का स्तर जो है वो बढ़ चुका है। और यमुनानगर से सरबजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तो सरबजीत, हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है और इस बार करीब 84,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, हथनीकुंड बैराज के ऊपरली क्षेत्र जो है वहां एक बार फिर जो है बारिश ने जोर पकड़ लिया है और जिसके चलते हथनीकुंड बैराज में जो है वो जो पानी का स्तर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ना शुरू हो गया। हालांकि सुबह जहां 50 से 52 हजार क्यूसिक पानी था, वही बढ़ते बढ़ते दोपहर तक 84,000 क्यूसिक हो चुका है। और जिस तरह से ऊपरी क्षेत्रों में बारिश है, उससे लगता है कि ये हथनीकुंड बैराज में और भी ज्यादा जो है जलस्तर बढ़ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख क्यूसिक के बाद हथनीकुंड बैराज के जो है गेट खोल दिए जाते हैं और अभी पहले ही गेट बंद नहीं किए गए, क्योंकि ऑलरेडी हथनीकुंड बैराज से जो पानी रेगुलर जो है वो बह रहा है और अब 84,000 क्यूसिक जो है वो पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ बह रहा है। और अगर इसी तरह ही ये पानी बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बार फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सरबजीत, तो लगभग 3 से 4 दिनों के बाद लोगों के घरों से पानी निकलना शुरू हुआ ही था कि एक बार फिर से पानी ने अपना खौफनाक मंजर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में लोगों के लिए कितनी ज्यादा बड़ी परेशानी। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए बैराज से जो है पानी बढ़ता जा रहा है और इसी चीज को लेकर लोगों के घरों में, हालांकि देखा जाए तो पानी अभी सूखना ही शुरू हुआ था और अभी लोगों ने राहत की सांस ही ली थी कि एक बार फिर से जिस तरह से पानी बढ़ना शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों में फिर खौफ का जो है वो आलम कहीं ना कहीं बढ़ सकता है, लोगों में डर का माहौल पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर लगातार बारिश चलती रही ऊपरी क्षेत्रों में तो पानी बढ़ सकता है और पानी बढ़ने से जो है मैदानी इलाके में जो लोग बसे हैं उनके लिए काफी दिक्कतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल सरबजीत, तो जिस तरह से हथनीकुंड बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में भी एक उफान देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, अगर बात करें हरियाणा और दिल्ली की सरकार की, तो कहीं ना कहीं जो है टेक्निकल अगर बात करें तो इसके अंदर हथनीकुंड बैराज पर जब ऊपरी क्षेत्रों से पानी आता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं सिल्ट भी आती है और भी कई तरह के पत्थर आते हैं, जिसके चलते जो लिंक नहरें हैं उनको बंद कर दिया जाता है। क्योंकि यमुनानगर से अगर बात करें तो लिंक नहर निकलती है, एक SYL अपना JCB है जो, और दूसरी जो है यूपी की तरफ जाती है, यमुनानगर से दिल्ली की तरफ जाती है, जो उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है, और इन दोनों लिंक नहरों को जो है वो बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते जो हथनीकुंड बैराज के गेट खोल दिए जाते हैं। क्योंकि अगर छोटी नहरों के अंदर पानी आता है, बैराज खुले रहते हैं, तो छोटी नहरों में सिल्ट होने का ज्यादा खतरा रहता है, उनके अंदर अगर ज्यादा सिल्ट हो जाती है तो निकालने के ये प्रोसेस है। पिछले जब से ये हथनीकुंड बैराज बना है तभी से जो है ये प्रोसेस चलता आ रहा है कि लिंक नहरों को जो है बंद कर दिया जाता है, तो इसी के चलते जो है लिंक नहरें बंद रहती हैं। जब ऊपरी क्षेत्रों से पानी आता है, 1 लाख क्यूसिक से पानी जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो छोटी नहरें ऑटोमेटिक जो है वो बंद हो जाती है, तो यही प्रोसेस है। हालांकि ये राजनीतिक बात है, अगर टेक्निकल बात करें तो कहीं ना कहीं छोटी नहरों को बंद करना जो है वो जरूरी होता है। क्योंकि अगर छोटी नहरों में पानी भर जाए और उसके अंदर मिट्टी गाद भर जाए तो जिस तरह से आगे उसके हाइडल प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। जी ठीक है सरबजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यमुनानगर से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हथनीकुंड बैराज में पानी भरने की संभावना लगातार बनी हुई है और हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर से पानी का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है।